आज आप सभी के समक्ष भारत सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना ई नाम यानी राष्ट्रीय कृषि बाजार के संबंध में कुछ जानकारी साझा कर रहे हैं। ई नाम एक तरह की अद्भुत पहल है जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है जिसका शुभारंभ 14 अप्रैल 2016 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया था। ई नाम से पूरे देश में एक मंडियों का ऑनलाइन नेटवर्क खड़ा किया है। ये देश भर की मंडियों को ऑनलाइन नेटवर्क से जोड़ता है एवं विभिन्न कृषि उपजों के व्यवहार को सुगम बनाता है। किसान की समृद्धि की दृष्टि से अनेक निर्णय हुए हैं। मैं ये कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होना चाहिए कि आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन है। ई नाम कोई समानांतर मार्केटिंग संरचना नहीं है बल्कि हमारी जो मंडियां स्थापित है उनका ये राष्ट्रीय नेटवर्क है जिसे ऑनलाइन एक्सेस किया जाता है। ई नाम प्रौद्योगिकी हस्तक्षेप के माध्यम से समग्र मंडी संचालन में दक्षता लाने में सक्षम रहा है। डिजिटल वेट ब्रिज और तौल पैमाने के माध्यम से वजन में सटीकता, अग्रिम पर्क उपकरण के माध्यम से पर्क में सटीकता, कमोडिटी की कीमतों पर वास्तविक समय की ऑनलाइन जानकारी, अधिक खरीदारों विक्रेताओं तक पहुँच और व्यापार में पारदर्शिता जिसके परिणाम स्वरूप प्रतिस्पर्धी बोली लगाई जाती है और बेहतर कीमत की खोज होती है। कई ऑनलाइन भुगतान मोड के माध्यम से पारदर्शी भुगतान और डिजिटलीकरण के माध्यम से ई नाम हितधारकों की बेहतरी का काम करता है। पुरानी मंडी व्यवस्था में किसान या व्यापारी सिर्फ अपनी नजदीकी की मंडी में ही व्यापार कर पाते थे, पर ई नाम के माध्यम से वो 18 राज्य एवं 3 केंद्र शासित प्रदेशों की 1000 ई नाम मंडियों में व्यापार भी कर सकते हैं और घर बैठ उन मंडियों के भाव भी पता लगा सकते हैं। ई नाम में अब तक कुल 1.73 करोड़ किसान, 2 लाख से ऊपर व्यापारी एवं करीब 1 लाख कमीशन एजेंट जुड़ चुके हैं। इस प्लेटफॉर्म में लगभग 2100 FPO को भी जोड़ा जा चुका है। अब मैं आपको ई नाम की प्रक्रिया संक्षेप में बताती हूँ। ई नाम प्लेटफॉर्म वेब पोर्टल एवं मोबाइल ऐप दोनों पर 12 भाषाओं में उपलब्ध है। मंडियों में आने वाले किसानों को गेट एंट्री के दौरान एक यूनिक लॉट नंबर दिया जाता है जिसके बाद उस लॉट की क्वालिटी की जांच की जा सकती है एवं उसी अनुसार लॉट को ऑनलाइन ऑक्शन के लिए ई नाम पोर्टल में अपलोड किया जाता है। अधिकतम बोली लगाने वाले व्यापारी को किसान अपनी उपज बेच सकता है। बेचने के बाद व्यापारी ई नाम के ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम के द्वारा किसानों को सीधे भुगतान कर सकते हैं। ई नाम पर अब तक लगभग 1.87 लाख करोड़ रुपए का व्यापार हो चुका।